नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीम इंडिया और मैं कीर्ति मंडूला। मोदी सरकार द्वारा जब से जम्मू कश्मीर में 370 धारा और 35 से हटाई गई है और जम्मू कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा है वो खत्म किया गया है, तब से ही गहमा गहमी जो है वो लगातार बनी हुई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ये लाख दावे करती रहती है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो समान है। क्या वाकई ही वहाँ के हालात समान है? इसी को जानने के लिए आज हम बात करेंगे जम्मू में हमारे संवाददाता शमशेर सिंह से और जानेंगे क्या वहाँ पे जो हालात है, लोगों की जो दिनचर्या है वो वाकई वैसी ही चल रही है जो धारा 370 हटाने के पहले थी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से शमशेर सिंह, तो चलिए उनसे जानते हैं। जी शमशेर जी, क्या घाटी के हालात इस समय किस तरह के हैं? जो स्थिति केंद्र सरकार बता रही है कि सामान्य चल रही, क्या वाकई में वहां की स्थिति सामान्य हो चुकी है? जी मैं आपको बता देता हूं कि हालात तो सामान्य ही है। जैसे दो दिन पहले सोमवार को 190 प्राइमरी स्कूल लगाए गए हैं, पर स्कूल जो लगाए गए हैं उसमें सोलर फितरी लगाई गई है कि उसको देखते हुए सब कुछ सामान्य बना हुआ है यहाँ पे। जी जी, तो उसको बाकी जो हालात है 144 अभी भी धारा लागू है, क्रैफो में ढील थोड़ी बहुत दी जा रही है, जो जरूरी सामान खरीदे जा रहे हैं वो बाकी जनता खरीद रही है वहाँ से। जी, और 370 धारा जब से हटी है उसके बाद से जो लोग वहाँ पे, किस तरह की लोगों की राय बनी हुई है, खासकर कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे रह रहे हैं घाटी में, उनकी क्या राय है इस धारा को हटाने के बाद से, उनकी क्या राय है? जी, 370 धारा को हटाने के बाद कश्मीरियों में खुशी है, जश्न का माहौल मनाया जा रहा है उनमें। जी, उनको आपको पता बता दें आपको कि इस पहले जब उनको यहाँ से निकाला गया उसको हालात देखते हुए अब उनमें जश्न का माहौल बना हुआ है और आजादी और जाना चाहते हैं वापस कि हमें वहाँ पे फिर शिफ्ट किया जाए, कश्मीर में फिर शिफ्ट किया जाए। जो 144 धारा लागू हुई थी उसके बाद अब थोड़ा सामान्य की गई है स्थिति और स्कूल जो खोल दिए गए हैं, क्या वहाँ पे बच्चों की शिक्षा पे इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या बच्चे वहाँ पे रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं और टीचर जो स्कूलों में है वो अपने टाइम पे आके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे कि सोमवार से जब से हुआ तब से सिस्टम चल रहा है। इसके पहले जो शिक्षा पे बच्चों पे बहुत असर पड़ा है इसको देखते हुए, तो बाकी जो चल रहा है सिस्टम। तो इसके साथ बात करें हम जम्मू की, तो जम्मू में 9 दिन के बाद नेट खुला था, 24 घंटे चला, 24 घंटे में 2G स्पीड चली, उसके बाद फिर क्यूकीफा को लेके नेट को बंद कर दिया गया है। तो जम्मू में भी रात सामान्य है, जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरनेट बंद है तो मोबाइल सेवा चल रही है। आवागमन किस हद तक प्रभावित हुआ है धारा 370 हटने के बाद? लोगों को किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जो 144 धारा लागू है और लोग जो अपने डेली दिनचर्या है, जो काम है उसको बंद किए हुए हैं, उस पर क्या, उनके ऊपर क्या लाइफ असर पड़ रहा है इसमें? तो अगर मिला देखें हम जम्मू में इसको मिला जुला असर देखने को मिल रहा है लोगों में, ठीक है। इसमें ज्यादा इसका ज्यादा प्रभावित हो रहा है कश्मीर में, जो कश्मीर बंद है इतने दिनों से, कभी मार्केट खुलती है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, बात करें डोडा की, किश्तवाड़ की, तो वहां पे भी इसका असर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशेर सिंह, जिन्होंने हमें वहाँ के हालात बताए और आपने भी जाने की जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात 370 धारा हटने के बाद पैदा हुए हैं, लोगों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है, बाकी और जमीनी हकीकत क्या है वहाँ तक हमारे संवाददाता नहीं पहुँच पाए क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं मिली हुई है वहाँ तक पहुँचने की। ऐसी कुछ और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।